आज बनाएंगे हम पोहा मसाला। क्या बनाएंगे? पोहा मसाला। पोहा मसाला कोई नहीं, ये साल लोगों के हाथ से बना रहा हूँ जी सर। सब लोग के हिसाब से बहुत है ना, हम पोहा भिगा दो जरा। ये भिगाया हमने पोहा, ठीक है जी। पोहा भिगाया, कुछ नहीं करना, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। अगर 1 मिनट भिगा तो भिगा देंगे। चलो 30 सेकंड हो गए, ये हमने छान लिया था, ठीक है। छानने के बाद अब हम थोड़ी देर के लिए इसको 2 मिनट और ये करी पत्ता, ये टमाटो, अनियन, मस्टर्ड सीड, ठीक है, और ये है ग्रीन पीस, हरी मटर, ये है पीनट, मूंगफली के दाना भुना हुआ, ये क्या है, लेमन वेजेस, कटा हुआ नींबू, ये ग्रीन चिल्ली, अगर कोई स्पाइसी अगर लाइक करता है, अगर खाना चाहता है तो उसके लिए। बाकी इसमें जो फ्लेवर के लिए होता है रेड चिल्ली होता है, ये है हेल्थी फूड, ये इससे गैस्ट्रिक ग्रो नहीं होती है, ये नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, ताकि हम दिन भर हमारा डाइजेस्ट काम करे अच्छे से, ठीक है। ये पोहा हमारा अब भीग चुका है, ठीक है, इसलिए जो है पानी ऑब्जर्व कर चुका है, ये सॉफ्टनेस आ गई इसके अंदर, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये डाला हमने कुकिंग ऑयल, ठीक है, कुकिंग ऑयल डाली, फायर ऑन किया कम मात्रा में, कम से कम, ताकि गैस्ट्रिक ना हो, खाने में ऑयल ना लगे मुँह में। ये सबसे हेल्थी फूड है, साउथ इंडियन फूड में आता है, ठीक है। साउथ बहुत कम मात्रा में तेल डालना है हमें, ना तो ऑयल ही डालना है। सबसे पहले हमें डालना है इसमें रेड चिली, फ्लेवर छोड़ेगा। उसके बाद हमने मस्टर्ड सीड डाले, राइट, टमाटर डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, हल्दी डालेंगे। हल्दी क्या होता है, तेल में घूमने से क्या होता है कि उसका कच्चापन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम डालेंगे हरी मटर, जो हरी मटर हमने लगे थे, हरी मटर डाल दिया। हरी मटर डालने के बाद अब हमने डाले क्या, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर हम ज़्यादा ऑयल में फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल लेस जाता है। कड़ी पत्ता डाला, ये डाल दिया पोहा, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, डाल दिया नमक, साल्ट, अपने टेस्ट को अच्छा डाल सकते हो। आज इसको हम खटास लाने के लिए लेमन, बहुत ज़्यादा नहीं, फ्लेवर के लिए, और आपको लगता है कि हल्का सा पानी डाल सकते हो सॉफ्टनेस के लिए, ये आपका पोहा, ठीक है। पर साउथ इंडियन फूड है, इसको लोग लाइक करते हैं। कड़ी पत्ता इसलिए ऊपर से डाला कि फ्लेवर तगड़ा आता है, इससे बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। और हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो उसका आधा फ्लेवर खत्म हो जाता है। रिकमेंड करूँगा कि आप हल्का प्याज और टमाटर भुनने के बाद फिर कड़ी पत्ता डालिए, उसका फ्लेवर पूरा पूरा मसाले में, वाह देखो कलर कितना अच्छा आया, जब हल्दी को हमने तेल में ब्राउन किया, ठीक है ना। ये हमारा, उसके बाद हम निकाल देते हैं पीनट। अगर कोई ग्रीन चिली लाइक करना चाहते हो डालो, मतलब तो अवॉइड कर सकते, ठीक है। ये रहा साउथ इंडियन पोहा, हम एक पोर्शन जो अपने होटल में देते हैं ऐसे देते, ठीक है। हमारा पोहा रेडी है, पोहा रेडी, ठीक है। यह है पोहा मसाला।